Hey guys, welcome back to my channel. और मैं आ चुकी हूँ अपनी मम्मी के घर पे. हेलो विभू. तो मैं कर रही हूँ छोटू के लिए दूध गरम. मक्खी आ गई. तो मैं आप लोगों से थोड़ी देर में बात करती हूँ. मैं कर रही हूँ छोटू के लिए दूध गरम क्योंकि मेरे बिट्टू को भूख लग गई है. एक बंदी से मिलवाती हूँ. ये देखो सुबह सुबह आटा बना के रख रही है रात के लिए. हेलो पूजा. ये है मेरी सिस्टर जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रही थी. हाँ भाई बोलो. एक सेकंड. अब करो जल्दी. फोन चला रहा है. अरे करना यार मैं. नहीं वेट नहीं कर सकती. चलो जल्दी. अरे चल जल्दी करो. मैं जा रही हूँ. दूध गर्म हो गया यार. भाई तुम चलाते हो तो चलाओ जल्दी से. चल मेरी. बच्चे पैसे उड़ा रहे मेरे ऊपर डांस करने पे. दूध पी रहा है पर पूरा नहीं पिया है इसने. ठीक है कहाँ है नानी के गला है. चलो बना लो. हेलो बोलो. हेलो अंशु कैसे हो. ठीक छोटू. हेलो नकली है ये. हमारे चलते नहीं है. ओके विवो. हेलो ये भी वीडियो बना रहा है. चला ले मेरा गुंजा अपना कर. चलो चल रही है. हाँ पागल हो रहा है. दिखा भी दिया इसमें. मम्मी हेलो मिचू. ठीक हूँ. ये देखो भाई पानी बैठ जा. बैठ के पी ले. कुछ नहीं कर लिया. भाग्य मन्ना अंशु फोन नाली में ना गिरा दियो. तू रोली नदियों फोन इधर दे बेटा. देख मादी आज जाके इसके साथ खेल लूं. किसको खेल ले. ले जा पानी. आराम तो लेजिए. पानी ना गिरे. कैसे कर रहा है ये. मेरी मम्मी चाची सब मन्नू है. बोल व्लॉग में एक बारी और अंशना पूरा फोन नु है. बोल व्लॉग बना रहा है. आज कल लोग तो मैं कोई शूट करना ही देखो. अरे लाइक नहीं आ. अरे वो कहां गई. यहां पे ना चूजे भी रखे हुए थे. कौन अंशु चूजे गए कहां पे. मैंने ना चूजे ले लिए. गली में कोई बेचने वाला आया हुआ था तो बहुत अच्छे हैं यार. मतलब भागते हैं साथ में बहुत अच्छे. लेकिन ना मेरे को बड़ा डर लगता है भाई जानवरों से. मैं हाथ नहीं लगा पाती हूँ. तो ये देखो अंशना पूरे कैमरे को पूरे घर में लेके घूमे जा रहा था. मतलब लिटरली मुझे इतना डर लग रहा था. गली में नाली वगैरह भी बनी हुई है तो मुझे लग रहा था कहीं ये नाली में ना गिरा था. इसलिए मैंने इसको मना भी किया था कि फोन ना लेके घूमे. ये देखो सारे बच्चे बड़ी शैतानियां कर रहे हैं. देखो कैसे कर रहे हैं. तो ये एक पूजा का लड़का है. एक मेरा भतीजा है और एक मेरा खुद का लड़का है. तो ये पूरे घर में घूम रहे हैं देखने के लिए किसका व्लॉग शूट करूं. तो वापस मेरे पास आ जाता है और फिर मैं इसको यहाँ पे थोड़ी सी डांट लगा देती हूँ कि फोन को रख दे. क्योंकि अगर नाली में गिर गया तो भाई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा. क्योंकि लिटरली मैंने इतना महंगा फोन ले लिया है. मेरी औकात से भी बाहर वाला फोन ले लिया है. तो यहाँ पे हम घूम रहे हैं. मैं एक और काम करती हूँ ऑनलाइन तो उससे मेरी थोड़ी सी इनकम हो जाती है. तो मैं यहाँ पे अपनी चीज़ें जो है खरीद लेती हूँ. तो ये देखो ये ना मेरी पूजा बहन का छोटा वाला लड़का है. उसकी वीडियो दिखा रहा है बड़े वाला.
तो पूरे घर में फिर से घूमे जा रहा है, इसको कुछ नहीं मिल रहा है और ले दे के फिर से ही बाहर आ जाता है गली में। बड़ा बदमाश है मेरा अंश भी भाई। देखो पूजा बैठी है और उसकी मम्मी बैठी है। पूजा और उसकी मम्मी भी बहुत, मतलब हमारी बहुत बनती है भाई, बहुत बनती है। मतलब मेरे पियर में आके और मन ना लगे। देख मुन्नू सो गया, वो छोटे वाला। देख सो गए तू, मैं जाके वो उठ गया, बड़ी जल्दी उठ गया। अभी एक साइड हो, सोएंगे ये, सोएंगे धूप में जाके। क्यों डाल रहे बेटा, वो उधर जा रहे हैं। अरे वो सोने ना, मैं इसकी वजह से। कोई बात नहीं, सो जाएगा। देखिए सो, अरे वो फिर सोएगा, देखिए चक्कर आ रहे हैं उसको। ए वो सो गया, अरे अरे देख कैसे सो गया, देख आराम से। और ये देखना, ये भी सोएगा। ये लड़का है, ये लड़की है? नहीं, दोनों लड़के हैं और पता भी नहीं क्या। ये भी सो जाएगा थोड़ी देर में। इसने भी कर दे, निकाल रखा था। हाँ डर भी ना लगता, इन पैरा के नीचे आ जाऊंगे। देख तो सोने दे बेटा, सोने दे, परेशान ना कर। देखियो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता चल गया है, मैं आ गई हूँ मेरी मम्मी के घर पे और यहाँ पे इन्होंने चूजे ले रखे हैं और ये मेरे पापा बैठे हैं, ये अपनी पोती के लिए लेकर आए छोटी सी गुड़िया और यहीं पे मेरी मम्मी भी बैठी है। तो ये मेरी मम्मी और पापा हैं एंड मम्मी बहुत 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 ज्यादा अच्छी है भाई मेरी, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी है। किसी को माँ मिले तो मेरी माँ जैसी मिले। तो ये यहाँ पे बैठे हुए हैं और उसके बाद हम जा रहे हैं मंदिर में। तो मंदिर में ना ऐसे ही चले गए हम उठ के, मतलब मैंने कोई तैयारी व्यारी नहीं कर रखी थी, जस्ट पूजा ने कहा और हम दोनों जो उठ के है ना मंदिर में चले गए बच्चों को लेकर के। तो दो चार बच्चे हो गए थे पूजा के और मेरे। तो यहाँ पे ना बहुत बड़ा मंदिर है, ये बहुत सुंदर मंदिर है श्याम जी का। और लिटरली मतलब बच्चे इतने ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि सोचा था कहीं कहीं घूम के आएंगे लेकिन घूमने नहीं जा पाए क्योंकि बच्चे रह ही नहीं रहे हैं यार। मेरा मतलब छोटू जो है, देव जो है, वो रह ही नहीं रहा है घर पे, बहुत परेशान कर रहा है, उसका मन नहीं लगा हुआ है इस वजह से। तो ये देखो कितना सुंदर और प्यारा सा मंदिर है, बहुत ही ज्यादा। तो ये हनुमान जी का है ना, पता नहीं श्याम जी किस, आप बताना मुझे किस चीज का है ये, कौन से भगवान जी का है। तो यहाँ पे सारे भगवान वैसे तो रखे हुए हैं, कृष्ण जी और सब। और ये बच्चे देखो बहुत इंजॉय कर रहे थे, बहुत ज्यादा इनका मन लगा हुआ था यहाँ पे। बहुत सुंदर और भव्य मंदिर है और बहुत शांति थी यहाँ पे, लेकिन मेरे बच्चों ने, हमारे बच्चों ने इतना आतंक मचा रखा था यहाँ पे बहुत बुरी तरह से। सो बहुत अच्छा लग रहा था। काफी दिनों बाद मैं मंदिर में गई थी क्योंकि मतलब डेली वेज में ना इतना टाइम लगता ही नहीं है मंदिर में जाने का, कहीं जाने का ही मन नहीं करता है। मंदिर तो कोई बात नहीं है लेकिन कहीं जाने का ही मन नहीं करता है क्योंकि बच्चे होने के बाद ना आपको लगभग किसी भी चीज़ का टाइम नहीं मिलता है। तो ये देखो छोटू भी बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन ना ये यहाँ आने के बाद, मतलब मेरी मम्मी के घर पे आने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, इसका मन ही नहीं लगा हुआ था। इसको लग रहा था पता नहीं मैं कहाँ ही आया हुआ हूँ इस वजह से। तो मैं इसको कहीं भी लेके जा रही थी ना, ये कहीं भी नहीं रह रहा था। तो ये देखो कितना बड़ा मंदिर है और पूरी दीवारों पे ना इतने सुंदर सुंदर नक्काशी बना रखी है, बहुत ही सुंदर सी। तो ये मेरे जय जगन। तो गाइस हम आए हुए मंदिर में और गुग्गू को थोड़ा सा डर लग रहा है और इसकी तबीयत भी मुझे थोड़ी सी खराब लग रही है। सो अरे अरे खुश हो गया, नीचे नहीं उतर रहा है लेकिन। तो हमने पूरी जय वगैरह कर ली है, आप जा रहे हैं घर पे, तो आप लोगों से मिलते हैं बाद में।